ओम शांति। मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा के कदम, आज दूसरा कदम है निश्चय बुद्धि विजयंती। भगवद गीता में भी हमने सुना है निश्चय जो रखता है उसका विजय होता है, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनशयंती। बहुत ही सुंदर मानवी जीवन में हमें मिला हुआ एक वरदान है बुद्धि का, दिव्य बुद्धि का, सत्सद विवेक बुद्धि का। और मन बुद्धि संस्कार युक्त हम आत्मा, इस आत्मा को भी शक्तिशाली बनाने के लिए, बुद्धि को शक्तिशाली बनाना बहुत जरूरी है। आत्मा को शक्तिशाली बनाना अर्थात बुद्धि को शक्तिशाली, मन को शक्तिशाली बनाना और अपने संस्कारों को भी शक्तिशाली बनाना। जब परमपिता परमात्मा का ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश हुआ, उसी समय उनको ये पता नहीं था ब्रह्मा बाबा को ये कौन है क्या है, तो शिव बाबा ने उनको अच्छी तरह से अपना परिचय दे दिया। निजानंद स्वरूपम शोहम शोहम, प्रकाश स्वरूपम शोहम शोहम, ज्ञान स्वरूपम शोहम शोहम। स्लोली स्लोली ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा का प्लान, परमात्मा का इस धरती पर क्यों आना हुआ, ये सब कुछ पता चला और ब्रह्मा बाबा की बुद्धि निश्चय बुद्धि बनती गई। जब शिव बाबा ने उनको बोला कि बच्चे क्या आप अपना तन मन धन भारत देश की सेवा के लिए, विश्व परिवर्तन की सेवा के लिए देना चाहेंगे, उसी समय उन्होंने हाँ जी कहा। इसका आधार था निश्चय बुद्धि। परमात्मा जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। पहला निश्चय कि भगवान मेरा पिता है और वो इस धरती पर आ चुका है। दूसरा निश्चय है मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय है। और तीसरा निश्चय है ये ड्रामा है, जो भी कुछ चल रहा है ये ड्रामा है और इस ड्रामा पर भी 100% निश्चय अर्थात विश्वास होना बहुत जरूरी है। और जब ये निश्चय नहीं होता है, संशय आता है, तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो हमें अपने जीवन में विजयी बनना है तो निश्चय बुद्धि होना ही चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा की लाइफ में भी हर समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने अपनी बुद्धि को निश्चय बुद्धि रखा। 1% भी संशय में वो नहीं आए। कुछ भी हो जाता था तब भी वो नहीं कहते थे ऐसा क्यों हुआ, वो यही कहते थे जो हुआ सो अच्छा हुआ, नथिंग न्यू। तो ये निश्चय बुद्धि होना बहुत ही आवश्यक है।
थोड़ी थोड़ी बातों में भी हमारा संशय इतना बढ़ जाता है तो किसी भी आप इष्ट देवता को मानते हैं तो उसको भी छोड़ देते हैं। वो कहेंगे कि भाई जैसे हॉस्पिटल में होता है ना, एक डॉक्टर है उसका ये कोई ये हमें उन्होंने मेडिसिन दिया उसका असर नहीं हुआ तो बस दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, फिर तीसरे डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन पूरा कोर्स तो करना चाहिए ना मेडिसिन का, तभी कुछ असर हो जाएगा अपने शरीर पर, तभी हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो आजकल यही हो रहा है। चलो भाई हम राम जी के भक्त हैं, उन्होंने काम नहीं किया तो हनुमान के पास चले, उन्होंने ना काम किया तो और किसी देवता के पास चले। तो एक बल एक भरोसा रहना, अर्थात एक परमात्मा के ऊपर ही पूरा 100% निश्चय बुद्धि होकर के रहना, ये बहुत जरूरी बात है। तो आइए हम ब्रह्मा बाबा के समान खुद पर भी निश्चय रखें, जिसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मेरे से अच्छे काम हो सकता है, मैं विजयी रत्न हूँ। जब ये अपना भी सेल्फ कॉन्फिडेंस हम बढ़ाते जाएंगे तो जीवन जीना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारे घर में परिवार में जो भी सदस्य है उनके ऊपर भी हमें निश्चय रखना पड़ेगा, कभी भी संशय नहीं आना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि संशय बुद्धि से ही पति भी अपनी पत्नी को मार रहा है, या कहे परिवार में बहुत ही हिंसाचार बढ़ रहा है, इसका कारण है संशय बुद्धि। इसलिए संशय बुद्धि विनय शयंती कहा गया है। विनाश कब होगा? जब संशय आता है। तो चलिए आज से हम इस संशय के भूत को भगाएंगे ताकि हमारा जीवन आसान हो जाए। तो ब्रह्मा बाबा की तरह आज से इस वक्त से हम निश्चय बुद्धि होकर के रहें और अपने जीवन को विजयी बनाएं, आसान बनाएं।